भैया भैया पेड़ पे देखो। ओए यार ये पेड़ की पत्ती हल रही है, यहाँ पे खड़ी है। ओ भैया अंदर से आवाज आ रही है, पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ। अंदर भैया ध्यान से। मैंने कहा था ना वो नहीं है, ये वही लड़की है भैया। मैं फिर कह रहा हूँ इसको यहाँ पे आदमखोर ने मार दिया था और अचानक ये सामने आई है मेरे वापस। दोस्तों जैसे यहाँ पे बाहर निकले हम और यहाँ से दौड़ के निकले, ये चीज दोबारा यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। और हम जहाँ बाहर अंदर भी गए थे, अंदर जाके पूरा कैप्चर करके आए थे इसको, मगर इस गेट से हम बाहर निकले थे दौड़ के और अचानक यहाँ पे खड़ी हो गई। ये देखो दोस्तों, बेटा क्या तुम वही हो जिसको यहाँ पे एक आदमखोर ने मार दिया था? हमें पता तुम्हारी आत्मा यहाँ भटकती है। भैया भैया पेड़ पे देखो। ओए यार ये पेड़ की पत्ती हिल रही है, यहाँ पे खड़ी है पेड़ हिल रहा पूरा। क्या तुम्हारा नाम खुशबू है? हमें पता है बेटा यहाँ पे तुम्हारी आत्मा भटकती है और तुम्हें एक जानवर ने यहाँ पे मार दिया था। क्या हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हम तुम्हारे पास में आ सकते हैं? ओ देखो गर्दन हिला रही है किशन जी, गर्दन हिला रही है, गर्दन हिला रही है। तो पास में जाने की कोशिश करोगे एक बार? नहीं, एक बार पास में जाऊं किशन जी, पास में जाने दो यार। मैं बता रहा हूं ध्यान से, बात कर रहा हूं यार, बात करने दो एक बार ध्यान से भैया, आगे मत जाना ज्यादा, तो करनी पड़ेगी ना आगे। हाँ ज्यादा आगे मत जाना बेटा, तुम्हारे साथ में यहाँ पे कोई दुर्घटना हुई है, हमने सुना तुम्हारे को यहाँ पे एक जानवर ने मार दिया था। क्या तुम वही लड़की हो? हमने सुना है कि तुम्हारा नाम खुशबू है। ओ भैया अंदर से आवाज आ रही है, पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ। अंदर से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, मगर एक बार बात तो करनी पड़ेगी। कोई इशारा दे दिए देखे पास में, मना कर रही है भैया अंदर कोई और भी है। इसके पास में चलते हैं किशन जी, एक बार किशन जी के पास में चलेंगे अपन। क्या मैं तुम्हारे पास में आ सकता हूँ? देखो मेरे पास में गुरुदेव की शक्ति है, गुरुदेव की ताकत है मेरे पास। देखो या तो आप हमें अपने पास में आने दो ताकि हम आपका मोक्ष करा पाए। मेरे पास में मेरे गुरुदेव की जीवी बहुत है, मैं आपके डालूंगा उससे आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्या मेरी गारंटी है, जैसे बाहर चलेंगे ना वो लड़की वापस यही दिखेगी, क्योंकि उसको उस जानवर ने यही मारा था। किशन जी एक बार बाहर आओ फटाफट, देखना वो लड़की वही करेगी। वो यहाँ खड़ी, ये देखो वापस आ गई। देखो क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे पास में नहीं है? क्या तुम ये चाहती हो ना कि हम तुम्हारे पास में नहीं है, मगर हम तुमसे बात करने के लिए आए। जब तक हम तुम्हारे से तुम्हारी बातें समझेंगे नहीं, हम तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकते।